नाज़रीन, मेरे साथ एक खूबसूरत जोड़ा मौजूद है जिन्होंने शादी कर लिया छोटी सी उम्र में और रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। वायरल होने की वजह यह है कि इनके साथ मुतअद्दा जो है सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। फाइक भाई, मुझे बताइएगा कि आपने इतने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, क्या वजह है? कोई थ्रेट है, किसी से दुश्मनी है आपकी? कुछ लोग होते हैं जो जेलस होते हैं, इरिटेट करते हैं, इस वजह से भी हमने गार्ड्स रखे हुए हैं। ये तो आपकी हंसने खेलने की उम्र थी, आपने शादी कर ली? बस ये हम लोग कुछ वायरल हो गए थे काफी ज्यादा, कुछ इसके फैमिली में इश्यूज। किस तरह के वायरल होते हैं? वायरल दो किस्म का होता है ना बंदा। कुछ उंजवी रावा ओखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। नाज़रीन, मेरे साथ एक खूबसूरत जोड़ा मौजूद है जिन्होंने शादी कर लिया छोटी सी उम्र में और रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। वायरल होने की वजह यह है कि इनके साथ मुतअद्दा जो है सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तमाम मामला क्या है कि मेरे छोटे से भाई ने, फाइक ने, छोटी सी उम्र में जो हंसने खेलने की उम्र होती है उसमें शादी कर ली शहर से, क्या वजह बनी और इतनी सिक्योरिटी क्यों रखी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फाइक भाई, मुझे बताइएगा कि ये तो आपकी हंसने खेलने की उम्र थी, आपने शादी कर ली? जी, बस हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते थे, हम लोग वायरल हो गए साथ में, कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग साथ में अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से कुछ मैं इनके साथ कुछ अटैच भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ये भी मेरे साथ अटैच हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इस वजह से हमने कहा कि चलो इस रिश्ते को जो है लाल तरीके से इनको इसको चलाएं। तो फाइक भाई, वेट कर लेते थोड़ा सा, अभी ज़रा इंजॉय करते हंसते खेलते, और आपने जो है डायरेक्ट ही? जी, हमने साल डेढ़ साल वेट किया है, फिर अच्छा, उसके बाद हमने, यानी आप काफ़ी पुराने हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा फाइक भाई, मुझे बताइएगा कि आपने इतने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, क्या वजह है? कोई थ्रेट है, किसी से दुश्मनी है आपकी? नहीं, दुश्मनी वगैरह मेरी किसी से भी कोई नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि दुश्मनदारी मेरी नहीं है, बस वैसे ही शौक है हमें कि हम लोग जाते हैं, हमारे साथ गार्ड्स होते हैं, अच्छा लगता है, शौक है बस, इस वजह से गार्ड्स रखे हुए हैं। कुछ हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जेलस होते हैं, इरिटेट करते हैं, इस वजह से भी हमने गार्ड्स रखे हुए हैं। जेलस किससे होते हैं, आपकी चेन से? नहीं, चेन से नहीं, हम लोगों से जेलस होते हैं कि कुछ लोग बुरे कमेंट्स करते हैं, बुरे कमेंट्स पास करते हैं वीडियोज़ पे, और उसके अलावा हम कहीं बाहर जाते हैं तो इरिटेट करते हैं, हुटिंग करते हैं, तो इस वजह से गार्ड्स रखे हुए हैं। फाइव भाई, मुझे बताइए कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना पैसा, आपने माशाल्लाह गोल्ड की चेन पहनी हुई है, अच्छा लाइफस्टाइल है, और आपके पास काफ़ी गनमैन है, गाड़ियाँ हैं, कितना खर्चा आपका आ जाता है इन पर? तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये। क्या वजह है कि आप सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, किसी से आपकी दुश्मनी नहीं है और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि शौक है आपका, क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह ये भी है कि जो गार्ड्स हैं हमारी अपनी कंपनी है, ठीक है, ये मेरे बड़े भाई हैं मेजर इम्तियाज़, उनकी कंपनी है रिचर्ड सिक्योरिटी, तो हम लोग काफ़ी लोगों को भी, हम लोग जो टूर्स आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उनको भी हम लोग गार्ड्स अवेल करते हैं काफ़ी। हमारी कंपनी तो काफ़ी फेमस भी है, ये यूट्यूब पे आप सर्च करें रिचर्ड सिक्योरिटी के नाम से, किसी को भी सिक्योरिटी चाहिए वो पूरे पाकिस्तान में, इतनी सेफ सिक्योरिटी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं मिलेगी जितनी ये हमारी कंपनी जो है आपको देगी। अच्छा जी, ये आपका इनके दावा है? जी, भैया मेरा दावा नहीं है, ये कन्फर्म मैं आपको कह रहा हूँ। फाइक भाई, मुझे बताइएगा कि ये आपने गोल्ड की चेन पहनी है, कहीं आपने काशिफ जमीर से इंस्पायर होकर तो नहीं पहनी? नहीं, काशिफ भाई भी मेरे बड़े भाई हैं, वो बड़े अच्छे, मेरे दुश्मन है? नहीं, मेरा काफ़ी अच्छा तल्लक है उनके साथ, बड़े अच्छे भाई हैं मेरे, तो ये तो मुझे वैसे शौक है तो मैंने इस वजह से पहनी हुई है। तो आपने भी, यानी वो बड़े भाई हैं वो ज़्यादा पहनते हैं, आप छोटे भाई हैं आपने थोड़ी पहनी है? हाँ जी, आप ये कह लें या उसके अलावा, वो उनका एक अपना लेवल है, हमारा एक अपना लेवल है। तो ये मैम से आपकी मुलाकात कैसे हुई, क्या यानी कि पहली मुलाकात में क्या बातें हुई आपकी जो आप डायरेक्ट एक साल बाद शादी पे आ गए? बस ये हम लोग कुछ वायरल हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, कुछ इसके फैमिली में इश्यूज। किस तरह के वायरल होते हैं? वायरल दो किस्म का होता है ना बंदा। जी, बस वो वीडियोस हमारी जो हम लोग लगाते थे कपल वीडियोस, वो हमारी वायरल होना शुरू हो गई, इसके घर वालों ने इशू उठाया कि आप ऐसे वीडियोस क्यों बनाते हो उसके साथ, बस फिर वो लोगों का मुंह तो बंद करवाना था ना। तो यानी फिर आपने शादी कर ली? जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा फाइक भाई, आप वीडियो में कहते हैं मेरे पास दो हैं, क्या सीन है, आज तक किसी को समझ नहीं लगी कि दो गनमैन हैं या दो? नहीं, वो हमारी एक फ्रेंड है हुमैरा, वो हमारे साथ वीडियोस बनाती है। तो आपको इजाज़त दे देती? जी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो लड़की ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो। सर, मुझे बताइएगा कि आप इनको, फाइक को इजाज़त देती हैं दोस्त वगैरह रखने की? जी बिल्कुल, मैंने कभी इनको मना नहीं किया, वैसे नहीं, कोई दोस्त है भी नहीं इनके ना, कोई जैसे पहले दोस्त होते हैं ना मेल फ्रेंड्स, अब इनके कोई मेल फ्रेंड नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही इनका आना जाना बस। तो अल्लाह ना करे आपकी दोस्त के साथ इनकी जो है डिस्किम डेंडा हो जाती है फिर? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। वैसे अगर आगे जाके मैं कभी खुद से कहती हूँ कि मेरा कभी ऐसा वक्त आए कि मैं तुम्हें खुद से ले आऊं। मेरा कौन है? ये जो हमारे साथ होती है टिकटॉक। अच्छा, उनका नाम हुमैरा है? हुमैरा है उनका नाम ना, वो हमारे साथ होती हैं वीडियोज़ में।
तो वो मुझे इतनी पसंद है, मतलब मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड है ना, उसके अलावा मेरी कोई भी दोस्त नहीं है। तो मैं अक्सर उनको बल्कि खुद बोल देती हूँ फाइक को मजाक मजाक से कि फाइक आप ना इसे भी शादी कर लो, चलो हम एक ही घर में रह लेंगे, लेकिन वो उनकी ऐसी माइंड नहीं है उनका गुस्सा। सहर, आप उन मशरकी ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी जो घर में बैठी होती हैं और कहती हैं आपने अपने कज़न की तरफ नहीं देखना, उससे सलाम नहीं लेनी, बात नहीं करनी, यानी कि तरह तरह की बातें करती हैं, और आप कह रही हैं फाइक के आपको अगर मेरी दोस्त पसंद आ गई तो मैं खुद ब्याह के ले आऊँगी? हाँ, क्योंकि अगर इंसान के दिल में, जैसे इनको मुझसे मोहब्बत थी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत मोहब्बत करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। कौन सी मोहब्बत है कि अगर उनको आपकी दोस्त पसंद आ गई तो आप ले आएं? प्रॉब्लम्स आई हैं हम दोनों की, मतलब शादी ऐसे नहीं हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की हैं हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। लाइक इतनी प्रॉब्लम्स किसी और की लाइफ में होती है तो वो बस एक दूसरे को छोड़ के भाग चुके होते दूर दूर तक। तो लेकिन हम दोनों ने बहुत कठिन रास्ते को देख कर भी हम लोगों ने ना आपस में फिर एक चलते रहे बिल्कुल एक बन के। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान के दिल में इस बात को लेके है कि मैं इसे शादी कर लूँ या साथ रहना चाहता हूँ, तो उसे शादी करने की इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको मना करते हो वो छुप छुप के मिलेगा और फिर प्रॉब्लम्स फेक करेगा और जो भी मसले मसाले हैं, इससे बेहतर है कि आप शादी करने दो उनको। तो मुझे बताइएगा कि सहर, अगर ये आपके साथ बेवफाई करते हैं, आपको बताते नहीं हैं, फिर बेवफाई करते हैं तो वो इसीलिए करेंगे ना। एक चीज़ मैं आपको ज़िंदगी में, ये बात मेरा जो खुद का ज़ाती एक्सपीरियंस है ना, कि आप बेवफाई तभी करते हो क्योंकि जब आप देखते हो कि अगला आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा है या नोक झोंक कर रहा है या ज़्यादा लड़ रहा है या बहुत ज़्यादा चिक 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 स्टार्ट की हुई है, तब आप लोगों के बीच में इतनी ये बात आती है कि आप बाहर मुंह मारना शुरू कर देते हो। आपने आज़ाद छोड़ा हुआ, जाओ घूम फिर के आओ तो वापस घर ही आना। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर, फाइक की कोई अच्छी बात और कोई बुरी बात? फाइक में अच्छी बात ये है कि ये मुझसे बहुत कम लड़ते हैं और हम दोनों आपस में ना शादी के बाद भी दोस्तों की तरह रहते हैं। कितनी देर होगी शादी? शादी को तकरीबन 8 से 9 माह होने वाले हैं। और भी कोई यानी एक्सपीरियंस नहीं ना है, कोई 8-9 साल बाद पूछेंगे हम फिर? नहीं, मतलब हमारी दोस्ती को भी 1.5 साल हो गए हैं और शादी को 8 माह मतलब 9 माह हो गए हैं। ठीक है, मतलब शादी से पहले भी हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छा बिहेव था, और शादी के बाद तो यानी कि मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैंने शादी कर ली है तो अब ये चेंज हो गए हैं या ये यूँ हैं या यूँ हैं। बस ये सिर्फ उसी चीज़ से मना करते हैं कि जो शायद मेरे लिए भी ठीक नहीं होती, अदरवाइज़ ये मुझे मेरे सब शौक पूरे करने देते हैं, हर जगह लेके जाते हैं, हर जगह मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं, और हर जगह मुझे वो खुद कहते हैं कि कोई नहीं आप अपने शौक से जो करना करो। कोई बुराई नहीं है इनके अंदर, कोई बुराई नहीं। फाइक भाई, कोई अच्छाई? अच्छाई तो इसमें यह है कि मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है, लड़ती नहीं है मेरे से कुछ ज़्यादा। इसको कोई वो भी नहीं है कि मैंने यही सूट लेना है, ये 15,000 का तो मैंने यही लेना है, ये 10,000 का 5,000 का भी ले लेती है, खर्चा नहीं करवाती मैं इसको। कोई बुराई? बुराई यही है कि बस चाय पीती रहती है। जी नादिन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, खूबसूरत जुड़ेगी। आप भी एक कप चाय पिए, मैं भी एक कप चाय पीता हूँ, और कैसी बातें कर रहे हैं कि कोई बुराई नहीं है, हंसते खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। नादिन, अभी तो 9 माह हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इनसे मुलाकात करेंगे 9 साल बाद और जानेंगे तमाम कहानी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।